हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त का दिन भारी तबाही लेकर आया। जलमग्न होते आशियाने, बहते वाहन और लाशों के मंजर ने वर्ष 2023 में हुई तबाही को याद दिला दिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश आफत बनकर बरसी है। प्रदेश के तीनों जिलों में आई इस त्रासदी में करीबन 52 लोगों के लापता होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक मंडी में 9, शिमला में 35 और जिला कुल्लू में 7 लोग लापता हुए हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान जिला शिमला के रामपुर में हुआ है। यहां आई तबाही में लापता हुए 30 लोगों की तलाश की जा रही है। तीनों जिलों में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासनिक अमले जहां मौके पर हैं, वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरी मुस्तैदी से बचाव कार्यों में लगे हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रशासनिक अमले के साथ बीते कल समेज पहुंचकर प्रभावितों का कुशलक्षेम जाना। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। आपको जानकारी देते चले कि समेज में आपदा प्रभावितों को सरकार द्वारा राहत राशि प्रदान कर दी गई है। जिला प्रशासन ने प्रभावित 20 परिवारों को 15,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की है। ये राशि बीती शाम को ही वितरित कर दी गई थी।